भव्य हिमालय की गोद में बसे विशाल भारत में राम और कृष्ण की जन्मस्थली एवं इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में गंगा और जमुना के बीच बसी विशाल नगरी कानपुर है, जहां हर चार कदम पर हमारे बीते इतिहास के चिन्ह नजर आते हैं। इसी अद्भुत शहर में जन्म हुआ एक प्रकाश का, आपके अपने श्री प्रकाश का, जिन्होंने अपने तन मन धन अपनी ऊर्जा और सारा जीवन समर्पित कर दिया हम सबकी सेवा में। प्रकाश का जो विकास किया, चाहे वो पुल बनवाए हों, चाहे वो ट्रेनें चलवाई हों, हर तरह से वो अवेलेबल हर समय से रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। श्रीप्रकाश जायसवाल से एक आम आदमी भी जाकर उनसे उनके कार्यालय में मिल सकता है। मैंने श्रीप्रकाश जी से कहा कि इनकी मदद करिए, नौजवान लड़के की किडनी खराब है। श्री प्रकाश जी ने राहत कोष से उनको 4,80,000 रुपया श्री प्रकाश जी ने दिलवाया और उस बात को लेकर आज भी मैं उनका एहसानमंद हूँ। ऐसा मंत्री और ऐसा सांसद ऐसा नेता मैं तो चार विषयों से प्रार्थना करूँ पूरे देश को मिले। बेटा है बड़ों का वो, अरे युवाओं का भाई, विकास की पहचान है, जनता का अभिमान है, सबका है विश्वास, अब कानपुर की है आवाज। कानपुर में पैदा हुआ, कानपुर में ही पढ़ा हुआ, कानपुर में ही हमारी एजुकेशन भी हुई और कानपुर हमारा चोली दामन का साथ रहा। कानपुर की तरक्की के लिए, कानपुर के विकास के लिए एक हसरत थी हमारे दिल में कि कभी अगर मौका लगेगा तो कानपुर का ऐसा विकास करेंगे जिससे कि लोग याद रखें। हमें मेयर बनने का मौका मिला, जो कुछ हम कानपुर के लिए कर सकें वो करें। एक तो बहुत सारे कर्मचारी अस्थाई थे, उनको हमने स्थाई कराया। कानपुर में जो विकास कार्य होना चाहिए था उस विकास कार्य की शुरुआत की। सौभाग्य से उसके कुछ समय बाद हमको एमपी बनने का मौका मिल गया और एमपी बनते ही हमने कानपुर शहर की चतुर्मुखी प्रगति के लिए कई एक फ्लाईओवर मंजूर कराए। तो हमारा प्रयास ये होगा जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको हम जल्दी जल्दी पूरा करें और इसके अलावा कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कुछ अन्य फ्लाईओवर भी हम कानपुर में डलवाएं। कानपुर की चतुर्मुखी प्रगति तभी हो सकती है जब कानपुर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कानपुर का। हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर से नौकरी करने वाले थे भैया, एक उम्मीद थी कि बीजेपी आई है शायद सत्ता में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पूरे नीचे स्तर से लेकर ऊँचे स्तर तक एक सभासद के स्तर से देखा जाए और पीएम राष्ट्रपति तक बीजेपी का बना, तो इससे एक उम्मीद लग रही थी कि शायद कुछ मिल फैक्ट्रियों के लिए कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बेकार। ये कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि देश की जनता से जो सरकारें वादा करती हैं, कोई लीडर वादा करता है तो जनता ये महसूस करती है कि शायद ये वादा सही है और इस तरीके से हमारे देश की तरक्की ज़्यादा हो जाएगी या हमारी तरक्की ज़्यादा हो जाएगी। यही 2014 में हुआ, जिस तरीके का झांसा जनता को दिया गया उस झांसे में जनता आ गई। झांसे में हर व्यक्ति आ सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे नींद खुल रही है वैसे वैसे जनता ये महसूस कर रही है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट का जो हमारे देश को तरक्की दे सके या हमारा जीवन स्तर ऊंचा कर सके। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। व्यापारी है उस तरीके से हम लोगों का जो है बिजनेस जो है पहले से ही काफ़ी डाउन हुआ है ना, और जो है जीएसटी से कुछ हम लोगों का रेट जो है काफ़ी बढ़ गया है, उस वजह से हम लोगों को मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन ये है कि बिजनेस हमारा बहुत डाउन हो गया। जीएसटी अपने आप में बुरी चीज़ नहीं थी,
लेकिन जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई और कम से कम 10 परिवर्तन किए जा चुके हैं लागू होने के बाद, कोई सरकार से पूछे कि किसी पॉलिसी में 10-10 बार 12-12 बार परिवर्तन होता है, इसके माने कि वो पॉलिसी जल्दबाजी में लागू की है। नोटबंदी के बारे में कोई सरकार से पूछे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ सिवाय नुकसान के, नोटबंदी से लोगों को क्या मिला, ये सरकार से पूछा जाना चाहिए। मुझे याद है कि सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, नीतीश कुमार उस समय रेल मंत्री थे, श्रम शक्ति एक्सप्रेस हमने तभी चलवाई थी जबकि वो रेल मंत्री थे। इसके अलावा उनके रेल मंत्री रहते मैंने फ्लाईओवर, टाट मिल फ्लाईओवर, ये उसी समय बनवाया था। तो ये कोई कहे कि हमारी सरकार नहीं है या हमारा मत नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है, ये सब बहानेबाजी की बातें हैं। अगर इंसान काम करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके माध्यम से वो काम कर सकता है। और हम ये समझते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस का वो दौर आवे जो कांग्रेस युवाओं को रोजगार दिया करती थी और सर्वधर्म संभावों को बनाकर चला करती थी। कानपुर के जंक्शन पर एक्शन की भरमार हुई, जोड़ के पटरी हर कोने से तेज यहाँ रफ्तार हुई। 14 वर्षों में कानपुर को श्री प्रकाश जी ने बदला था। विकास जिसकी पहचान हो, लोकप्रियता जिसका सम्मान हो। हर आदमी वो नहीं है जानता है कि कांग्रेस पार्टी के हैं कि बसपा के हैं कि सपा के हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं श्री प्रकाश जायसवाल इज द गुड मैन। कानपुर में जो बिजली की समस्या चली आ रही थी, तो उसके तहत श्री प्रकाश जायसवाल ने दो पावर प्लांट घाटमपुर एक बिल्लौर में पास कराए थे, और जो वादा उन्होंने अपने पूर्व समय में किया था, इन्हीं कारणों जो वादा पूर्ण नहीं हो पाया उसकी संभावना हम करते हैं। कथनी करनी है किस जैसी, ऐसा जिसका है इतिहास, श्री प्रकाश श्री प्रकाश श्री प्रकाश। हर कार्यक्रम में जो भी कोई छोटा बड़ा जैसा भी आदमी कोई गया उनके घर और उनसे कहा भैया फलाना कार्यक्रम बिटिया बिया है लड़के का जने हुए फलदाने तिलक है श्री प्रकाश सब का उपलब्ध रहते हैं, जन जन के घर में पहुँच जाते हैं। अरे बिना बुलाए पहुंच जाते हैं यार, कहते हैं यार चाय पीने तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनका द्वार और कानपुर की जनता के साथ बड़ा मेलजोल है और उनका घर है यार। ये जंगली देवी मंदिर में उनकी ससुराल है पास ही में, और जंगली देवी मंदिर के हर कार्यक्रम में श्री प्रकाश पहुंचे हैं। जब भी उनको वहाँ मंत्री जंगली देवी मंदिर वो तुम्हारे क्या नाम बारा देवी मंदिर, तो श्री प्रकाश का वहाँ तो हमेशा जाना आना। उधर ये नए अभी तमाम प्रकट हुए हैं उनमें भी श्री प्रकाश के जाना आना, मंदिरों में श्री प्रकाश हमेशा अक्सर जाते आते रहते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा है यार उस आदमी के टाइम में। कानपुर की आवाज़ जो है विकास चाहती है, जो कि इस समय बिल्कुल ठप पड़ चुका है। श्री प्रकाश जी जब तक रहे थोड़ा बहुत यहाँ पर विकास चलता रहा, और अब इस समय तो यहाँ पर कानपुर में विकास नाम की चीज़ कुछ रही नहीं गई। चाहेंगे कि माननीय श्री प्रकाश जी चुनाव जीते, हमारे कानपुर शहर का विकास हो, ताकि यहाँ की जनता को थोड़ा राहत मिले। मेरा वोट कांग्रेस को, मेरा वोट श्री प्रकाश को। मेरा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के ही जाएगी या श्री प्रकाश जी को जाएगी? हमारा वोट तो श्री प्रकाश जायसवाल को जाएगा। मेरा वोट कांग्रेस को, और मेरा वोट कांग्रेस तो हजारों हजार ब्राह्मणों का वोट कांग्रेस को जाएगा। आपकी बार कांग्रेस सरकार। श्री प्रकाश, श्री प्रकाश। मैं श्री प्रकाश जायसवाल आपके बीच में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सामने आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमारे 15 साल के कार्यकाल ध्यान में रखते हुए मुझे फिर से चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रकाश, श्री प्रकाश, श्री प्रकाश, श्री प्रकाश, श्री प्रकाश, श्री प्रकाश। कांग्रेस के हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर श्री प्रकाश जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाए।